इधर 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 आओ। दिस इज सनी राणा साइनिंग इन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैमरा मैन थोड़ा पीछे जाओ। हाँ अब ठीक है। तो आज से हमारा शुरू होता है एक जर्नी। इसमें मैं आपको नासिक सिटी पूरा घुमाऊंगा, उसके अलावा नासिक के आसपास क्या क्या घूमने का जगह है वो सारा दिखाऊंगा। तो दिस इज EP 1, Episode 1 है, जिसमें मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ का। पर पहले यहाँ पर सुबह 5 बजे का टाइम हुआ है। अभी देख रहे हैं चारों बगल सुनसान है। पहले तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि भाई तू नॉर्मल है? मैं ही जाग रहा हूँ और पूरा शहर सो रहा है और हम यहाँ से जा रहे हैं कहाँ? फ्रॉम सूरत टू नासिक। और ये सामने दिख रहा है गुलाबी सुबह। सुबह सुबह का टाइम हो गया है, व्हीकल चलाते हुए 1.5 आवर। सही से नहीं चलाएंगे तो ऐसा हालत हो जाएंगे। रोड साइड हाईवे और उसके बाद ये चाय ब्रेक। मस्त। इस चाय का खासियत है कि इसमें मिला हुआ है थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा धूल मिट्टी। सो आफ्टर छोटा सा डी ब्रेक हमारा जर्नी हो गया कंटिन्यू। ये वासदा पहुंच गए और यहाँ से जो हमारा रास्ता है वो लगभग 3.5 घंटे का है। और इसके बाद हम पहुंच गए सापुतारा और यहां से अभी हमें जाना है नासिक। तो फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लिया है यहां पर बहुत सारा स्टॉल है खाने का, कुछ खाते हैं और फिर यहां से आगे की तरफ निकलते हैं। सो ये चाय अच्छा है। अच्छा ही। डोसा ऑर्डर कर दिया था, मसाला डोसा। थोड़ा देर इन रास्तों पे गुजरते ही ऐसा व्यू देखने को मिलता है, चारों बगल पहाड़ी पहाड़। अभी पीछे आपने सापुतारा देखा ना, सापुतारा खत्म करके जैसे हम महाराष्ट्र की तरफ घुसे, पूरा का पूरा जो व्यू है भाई, पूरा का पूरा व्यू ही चेंज हो गया। होपफुली आपको सामने की तरफ पहाड़ दिख रहा होगा अभी। हा 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 हा, वाह वाह। जब आप ऐसे ही खूबसूरत रास्तों से गुजरते हैं तो किस तरह का म्यूजिक प्ले होना चाहिए? लो फाई ना? ओ एडिटर भाई, प्ले किया जाए। सप्तशृंगी माता मंदिर आने के लिए आप नासिक से बस में बैठ करके भी इस जगह पे पहुंच सकते हैं। पहाड़ के ऊपर एकदम जो ऊपर वाला छोर है ना, वहां पे व्हीकल चल रहा है, मतलब पहाड़ काट के वाला जो रास्ता है वो बना हुआ है। देखते हैं ऊपर से नीचे देखने में कैसा लगता है। अब हम चढ़ाई मार रहे ऊपर की तरफ। सी अब मैं वीडियो चलने देता हूँ, आप एंजॉय करिए। एक बार की बात है कि माँ सती अपने पिता से मिलने के लिए एक समारोह में पहुंची थी। वहाँ पे उनके पिता ने भगवान शिव का बहुत अनादर किया और वो ये अनादर सह नहीं पाई और उन्होंने अपने आप को अग्नि कुंड में डाल दिया। आगे का स्टोरी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। मुझे इसका जो बेस पॉइंट है वो दिख रहा है। सो हमें इसी पहाड़ पे जाना है। अरे वाह, पूरा का पूरा बाजार दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो आप जैसे ही सप्तशृंगी पहुँचेंगे ना गढ़ पे, तो वहाँ से जो पार्किंग का जो व्यवस्था है वो सामने कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे अलग से कोई पार्किंग का, गवर्नमेंट का पार्किंग का कुछ है नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर आप बहुत सारा दुकान, यहाँ तक आपको स्टॉल दिखाई दे रहा होगा सामने की तरफ में, तो किसी भी स्टॉल वाले के पास में आप अपना जो व्हीकल है वो पार्क करवा सकते हैं। और इसमें एक फायदा आपको है, हैवी लगेज कुछ लेकर के आ रहे हैं कि आप वो सारा चीज भी यहाँ पे स्टॉल में रख सकते हैं। तो जहाँ मैंने व्हीकल पार्क किया वहां से ही थोड़ा आगे आया और बहुत सारा यहाँ पे दुकान ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। और जो मैंने बताया पार्किंग का सारा डिटेल्स सामने आपको दिख रहे हैं। सामने ये रहा सप्तशृंगी गढ़, है ना, सामने की तरफ आपको रोपवे दिख रहा होगा। और ये अपने आप में इंडिया का फर्स्ट रोपवे है। क्यों है, क्या है, कैसे है, वो आगे चल के आपको मैं बताता। अब सामने की तरफ वो रोपवे है जहाँ हमें जाना है, पर उसका जो एंट्री है वो कुछ
इस तरफ है। तो इधर सामने की तरफ मुझे रोपवे का जो एंट्री है वो दिख रहा है, तो अंदर जाएंगे, अंदर जाके टिकट लेंगे। भीड़ है पर उतना भीड़ नहीं है, शनिवार के हिसाब से तो ठीक ही है। ये है रोपवे टिकट काउंटर, चलते हैं अंदर, टिकट लेके आते हैं। सो अगर टिकट प्राइस की बात करूँ ना, तो ये सामने है 110 रुपये का टिकट पड़ा है, उसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड है। भाई इधर अंदर तो एक अलग ही दुनिया बसा हुआ है, देखिए छोटी मूर्ति से बड़ी मूर्ति सब कुछ है यहाँ पर। मेन एम है दर्शन करना, तो दर्शन पहले कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आकर के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। सामने की तरफ मुझे रोपवे का जो एंट्री है वो दिख रहा है, अब वहाँ से अगर अंदर एंटर होंगे ना, उसके बाद बड़ा सा वेटिंग एरिया आपको दिखेगा, तो यहाँ आकर के आप वेट कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तब। सो यहाँ आपको टिकट दिखाना होगा, यहाँ अंदर की तरफ भी बहुत बड़ा वेटिंग रूम बना हुआ है। ये खास जब मैं बोलूँ कि अभी ये नवरात्रि आया था ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता था इस जगह पर, तो इस हिसाब से यहाँ का जो वेटिंग एरिया है वो बहुत सही है। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग ऐसे जूता पहन के ऊपर नहीं जा सकते, जूता हो चप्पल हो जो भी हो आपको यहाँ पे उतारना पड़ेगा, और ये बना हुआ है जगह जहाँ पे आप अपना जूता चप्पल जो भी है वो रख सकते हैं। एक जोड़ी जूते का चार्ज 3 रुपये है, तो आपको जितना चप्पल जूता रखवाना है यहाँ रखवाइए, उसके बाद आपको यहाँ से नंगे पाँव ही जाना पड़ेगा। सो एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जूता यहाँ पे रखा ना, वहाँ पे कोई टिकट आपको नहीं मिलता है, आपको जस्ट वो नंबर देंगे जहाँ पे आपका चप्पल जूता रखा हुआ है, तो वो आते समय वो नंबर आप उसको बताइएगा तो आपको वापस दे देंगे। गजनी बन के मत जाइएगा वरना आप ढूंढते रह जाएंगे। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं ना, उसके अंदर भी हमें बहुत सारा दुकान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो होपफुली आपको ये रोपवे दिख रहा होगा, ये अपने आप का इंडिया में एक लौटा ऐसा रोपवे है जो ट्रेन की शेप का दिखता है। चलिए इसमें एक बार में कितने लोग आ सकते हैं मैं ऊपर जाके और पूछ के आपको बताता हूँ। तो इस रोपवे को जो चलाते हैं ना, मैं आपका उनसे बात करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? जालिंदर साहब। अच्छा, आप कितने टाइम से ये चला रहे हैं यहाँ पर, कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? दो साल हुए। अच्छा, और इसको कितना टाइम हुआ इस रोपवे को स्टार्ट हुए? 6 साल 7 साल जैसा है ना। अच्छा, तो इसमें एक बार में लगभग 60 से लोग आ सकते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अभी नवरात्रि गया, उसमें कैसा माहौल था यहाँ पर? बहुत अच्छा भीड़ था ना। हाँ, नवरात्रि के टाइम पे अच्छा भीड़ था। तो कैसा एंजॉय करते हैं चलाते समय, मजा आता है? सो डिटेल्स लेने से पता चला इसमें एक बार में 60 लोग बैठ सकते हैं, और चार्जेस वगैरह तो मैंने आपके साथ में शेयर किया, ये कुछ ऐसा लगता है यहाँ से, होपफुली आपको दिख रहा होगा। और ये सबसे ऊपर का पॉइंट जहाँ हम बैठे हैं। सो ये हमारा स्टार्ट हो गया रोपवे जर्नी। उसके बाद भगवान शिव को जैसे ये बात पता चला कि माँ सती ने अपने आप को अग्निकुंड में डाल दिया है, तो वो वहाँ पे पहुँचे और माँ सती को लेकर के आकाश की तरफ चल पड़े। वो गुस्से में घूम रहे थे चारों बगल, इससे माँ सती का शरीर का हिस्सा अलग अलग जगह पे गिरा। इसे हम 51 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। हार्डली 1 मिनट जैसा लगता है रोपवे से ऊपर आने में, नीचे से यहाँ तक तो 1 मिनट में पहुँच गए, पर यहाँ से ऊपर पहुँचने में लगता है 1 घंटा लगेगा। भीड़ देखिए, एक तरफ इधर का नजारा और एक तरफ इधर का नजारा। फाइनली इतनी देर लाइन में लगने के बाद हमें दर्शन मिला, और जैसे ही इस मंदिर से आप नीचे का नजारा देखेंगे ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। तो दर्शन करते हुए मुझे यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मिले, तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। क्या नाम है आपका? मैं सुधीर देशपांडे। हाँ, हम सातारा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये अच्छा है, देखो भगवती माँ का मंदिर बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन ये प्रोसेस की बात होता है, वो प्रशासन मानता है उधर नहीं है। क्या है, बाल बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं, सब हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। फिर उसको जो
नियोजन पर उसका डिसिप्लिन बनता है, डिसिप्लिन वो नहीं है उसके बाद, डिसिप्लिन नहीं है उसके पास, जो आएगा वो जाएगा। वो गवर्नमेंट ने खूब अच्छी तरह किए, गवर्नमेंट सरकार के शिंदे शाही का आभार हूँ, क्योंकि उन्होंने रोपवे दे दिया है, नहीं ना चाहिए सब जो बच्चे बूढ़े सब लोग जा रहे हैं, इसके दौरान से उनकी सरकार आ जाएगी, उनको सिर्फ मुकाबला है। क्या नाम है आपका? माझं नाव रवींद्र भरत कुंभार। अच्छा, मी चलेगा मराठी भी चलेगा। मी सातारवरून आलेलो आहे, माझी दुसरी वेळ आहे, खूप प्रसन्न वाटते इथे येऊन, आनंद होतो, परत परत यायची इच्छा होती सारखी, बस देवीच्या आशीर्वादाने सगळं चांगलं आहे। सो रोपवे से आप जैसे नीचे उतरेंगे ना, तो आपको नीचे बहुत सारा दुकान यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसी में से एक दुकान के पास हम आए हैं, तो जो दुकान के ओनर हैं उनसे मैं आपका मुलाकात करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? बाजीराव। 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 अच्छा, बाजीराव। आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं? एक घंटे से। इस जगह पर आपको कितना टाइम हुआ? बहुत टाइम होगा। और अगर ऐसे देखें तो दर्शन करने में कितना टाइम लगता होगा? ऑलमोस्ट आधा एक घंटा, ज्यादा आधा एक घंटा जाता है। अगर रोपवे से जाए तो बैठ रहे थे तो ज्यादा टाइम, ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, रोपवे से जैसे बाहर आएंगे ना, तो सेकंड जो दुकान है वो इनका है, यहाँ पे पूजा का सारा सामग्री आपको देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा चूड़ी वगैरह सब यहाँ पे मिलता है, तो अगर ऐसा कोई सामान आपको लेना हो तो वो आप यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। सो हमारा दर्शन पूरा हो गया है, और दर्शन पूरा होने के बाद मुझे एक जगह दिखाई दिया, जस्ट बाहर जैसे आप आएंगे ना, तो ये म्यूजियम पार्क, बुल राइड, वाटर पूल वगैरह ये सब दिखाई देगा आपको। दर्शन करने के बाद असली मजा तो बच्चे ले रहे हैं। अब मैं वापस से जो रोपवे का एंट्री था ना, वहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारा दुकान आपको मिल जाएगा जहाँ आप खाना वगैरह खा सकते हैं। ये साइड पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है, और ये साइड देखेंगे तो कुछ खरीदने का सामान, ऐसा कुछ आपको लेना हो तो वो सारा कुछ यहाँ बना हुआ है। चूड़ी, पर्स, ये दो चीज़ मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई दी है। लड़के लोगों से अलग दुश्मनी होते हैं, ऐसे भी लड़के लोग जल्दी सामान लेते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादातर सामान लड़कियों का ये है यहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो फिर आप यहाँ नीचे से ही लाइव दर्शन कर सकते हैं, पर वैसे ऊपर जाना चाहिए। सो अभी तक का मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले पार्किंग के लिए मैंने वहाँ पे 250 रुपीज़ पे किया था, उसके बाद ये सामने की तरफ हम यहाँ से एंटर हुए थे और रोपवे लिया, तो रोपवे का जो टिकट है वो 110 रुपये है, और 110 रुपये में जाने आने दोनों का है। ऑलमोस्ट एक मिनट जैसा लगता है ऊपर पहुंचने के लिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भीड़ काफ़ी था वहाँ ऊपर, तो दर्शन करने में टाइम लगा, इधर एक मिनट लगा, वहाँ एक घंटा लगा। और यहाँ के बाद कहाँ जाना है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर से 1 किलोमीटर अगर आप वॉक करके आएंगे ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये कुंड दिखाई देगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद ही फिर माता का दर्शन करते हैं। मेन मंदिर से 700 मीटर अगर आप चल के आगे की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको शिवालय कुंड दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारा मंदिर भी है, पर इसके साथ साथ आप जैसे इसके पीछे की तरफ जाएंगे ना, तो एक लाजवाब नज़ारा आपको देखने मिलेगा। पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको शिवालय कुंड के पीछे वाले एरिया की तरफ लेके चलता हूँ, ये बहुत ही लाजवाब है। हाँ, लेकिन एक बात, यहाँ बंदरों से बहुत सावधान रहिएगा, खास करके अपने प्रसाद को बचा करके चलिएगा। 3 hours later So, देखा, यही चीज का ध्यान रखने के लिए मैंने बोला हुआ था। शिवालय कुंड के जस्ट बगल में आपको भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दिस इज सनी राणा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत जल्द इसके एपिसोड 2 में, जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा। अरे इंतज़ार करिए।